जानी मानी एडल्ट फिल्म स्टार सोफिया लियोनी की मौत की खबर ने सभी को हैरान कर दिया है। संदिग्ध परिस्थितियों में एडल्ट फिल्म स्टार सोफिया लियोनी की मौत हो गई है। 26 साल की सोफिया हाल ही में अपने अपार्टमेंट में मृत पाई गई। पिछले कुछ महीनों में लगातार एडल्ट स्टार्स के निधन की खबरें लोगों को हैरान कर रही हैं। सोफिया लियोनी के स्टेप फादर माइक रोमेरो का कहना है कि 1 मार्च को सोफिया लियोनी अपने अपार्टमेंट में बेहोश मिली थी। आनन फानन में सोफिया लियोनी को हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन तब तक उनकी मौत हो चुकी थी। सोफिया लियोनी की अचानक इस मौत से उनके परिवार को बड़ा झटका लगा है। सोफिया लियोनी की मौत न्यू मैक्सिको के अपार्टमेंट में उनके घर में ही हुई। हालांकि मौत की वजह क्या है यह अभी तक साफ नहीं हो पाया है। स्थानीय पुलिस इस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन कर रही है। पिछले काफी समय से एडल्ट फिल्म इंडस्ट्री से इस तरह की मौत की खबरें सामने आ रही हैं। जनवरी में ही थेना फील्ड्स अपने घर में मृत पाई गई थी संदिग्ध परिस्थितियों में, और फरवरी में 36 साल की कागनी नील कार्टर ने सुसाइड कर लिया था। सोफिया लियोनी की मौत के बाद सोशल मीडिया पर एक बहस सी छिड़ गई है। आखिर कम उम्र में एडल्ट फिल्म स्टार की संदिग्ध मौत क्यों हो रही है? पिछले 3 महीनों में ये तीसरा मामला है जब किसी एडल्ट स्टार ने दुनिया को अलविदा कह दिया है, वो भी संदिग्ध परिस्थितियों में। सोफिया लियोनी के मौत के कारणों को इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है। आखिर वजह क्या है यह इन्वेस्टिगेशन के बाद ही साफ हो पाएगा। सोफिया लियोनी की फैमिली अब इंसाफ की मांग कर रही है। इतने दिन बीत जाने के बाद भी ये पता नहीं चल पाया है कि आखिर सोफिया लियोनी की मौत किन कारणों से हुई है।